हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्पाइस जेट में जो लेटेस्ट वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उनके बारे में। और दोस्तों, ये जो इंटरव्यूज हैं 2 different cities में कंडक्ट होने वाले हैं, यानी कि 2 जगह पे कंडक्ट होने वाले हैं, 2 different dates को सबसे बड़ा बेनिफिट है। यहाँ मैं एक बात क्लारीफाई करना चाहूँगा, कई बार होता है कि स्पाइस जेट के या फिर किसी भी एयरलाइन का इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, ग्राउंड स्टाफ के लिए 2 city में कंडक्ट होता है, यानी कि 2 शहर में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली और कोलकाता। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ये जो इंटरव्यू है दोस्तों, ये आपको सेम डे को हो जाते हैं, यानी कि एक ही तारीख एक ही डेट को हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा उसमें 2 different cities के लिए कंडक्ट होने वाले हैं ये वॉक इन इंटरव्यू और डिफरेंट डेट को। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप जाकर दोनों वॉक इन इंटरव्यूज को अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूरा डिटेल में। लेकिन उसके पहले 3 बातें बताना चाहूंगा। एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बचिए, एयरलाइन में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। पॉइंट नंबर 2, आज है फादर्स डे, और आप सभी को, आपके पेरेंट्स को और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग फादर हैं, आप लोगों को हैप्पी फादर्स डे। दोस्तों, मुझे याद नहीं था, लेकिन मेरी छोटी बच्ची ने जब मुझे कुछ गिफ्ट किया तब मुझे पता लगा कि आज फादर्स डे है। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर मोमेंट को मैंने कैप्चर किया है अपने मोबाइल के कैमरे में, और आप लोगों के सजेशन के बेसिस पे जो मैंने अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है फ्लाई एयर ब्लॉग्स। अगर आप YouTube में टाइप करेंगे फ्लाई एयर ब्लॉग्स या फिर @flyairblogs या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे फैमिली के बारे में जानने के लिए, मैं किस तरह से रहता हूँ, क्या मेरी लाइफ है। तो दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। और सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वैकेंसी डिटेल्स को। दोस्तों, स्पाइस जेट की 2 vacancies में से जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है ग्राउंड स्टाफ के लिए, जो कि कंडक्ट होने वाली है अहमदाबाद में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस दोनों डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट होने वाली है। दोनों जो वैकेंसीज हैं, दोनों के लिए कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस 0 to 3 years, यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 to 27 years। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट, फाइनल ईयर, 6th semester या फिर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि जब हम वहां जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूंगा, अगर आप वहां जा सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं आपको वहां जाने में, तो आपको जाकर ट्राई ज़रूर करना चाहिए, कम से कम एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। दोनों जॉब के लिए आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकें, 24/7 काम कर सकें, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, ये आपको प्योरली इंग्लिश में होता है। और अब बात करते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए। दोस्तों, डिपार्टमेंट आपका सिक्योरिटी होगा, और जो आपको जॉब परफॉर्म करना होगा वो एयरलाइन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन BCS द्वारा जो भी आपको बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग, जिसमें कि स्क्रीनिंग, फ्रिस्किंग, ओवरऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। कस्टमर सर्विस के जॉब में दोस्तों, आपको कस्टमर की क्वायरीज, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आने वाले पैसेंजर हो, चाहे वो जाने वाले पैसेंजर हो। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग, यानी कि BE, BTEC, CPL होल्डर या फिर AME क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए, और उसके लिए आपको सही अटायर, यानी कि सही कपड़े पहनकर सही तरीके से रेडी होकर जाना होगा। कैसे जाना है, क्या जाना है, तैयारी कैसे करनी है, दोस्तों उसके रिगार्डिंग जैसा मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 1-2 links दे रखा है ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जाकर क्लिक कर आप चाहें तो उस कोर्स को ले सकते हैं। 499 या फिर 399 का कोर्स है दोस्तों, मैंने खुद चेक किया है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इंटरव्यू में जब आप जाएंगे दोस्तों, तो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, वैलिड ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट जरूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, प्रमोशन लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब कुछ आपको वहां पर चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लास्ट 3 months का सैलरी स्लिप आपको वहां दिखाना होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सैलरी वहां पर डिसाइड होती है। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं अहमदाबाद में 24th of June को मॉर्निंग 9 to 11, यानी कि 9 बजे से जो इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, भीड़ बहुत होती है। दोस्तों, एड्रेस की बात करें तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं मेट्रोपोल होटल है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा।
और दोस्तों अब बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जो दूसरी वैकेंसी है उसका जो लगभग सैलरी होगी वो अराउंड 3.5 लाख के आसपास पर एनम होगी, और जो इसका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है 22 जून को, और ये होने वाला है आपको गुड़गांव में। ये जो जॉब है दोस्तों, इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि 1 to 2 years ऑफ कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर हैंडलिंग में होना चाहिए। आप अगर किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर काम किए हैं जहां पर कस्टमर से आपका इंटरेक्शन हुआ है, तो दोस्तों आप वहां पर इस चीज को बता सकते हैं और वही आप इंटरव्यू में प्रूव कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको कस्टमर से एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन करना होगा, जो कॉल्स, रिस्पॉन्सेस, क्वायरी होगी उनको सॉल्व करना होगा, और इसके अलावा जो भी आपको कंपनी एडवाइस करती है वो आपको वहां पर जॉब करना होगा। सो फ्रेंड्स, 22 जून को ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से और लगभग दोपहर के 2 बजे तक ये कंटिन्यू होगा। और इसका जो एड्रेस है ये है स्पाइस जेट की बिल्डिंग गुड़गांव में, जो आप अभी एड्रेस देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जाकर आप अपना लक जरूर ट्राई करें। डॉक्यूमेंट्स में वही दोस्तों, आप अपडेटेड रिज्यूम ले लीजिएगा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हो, मार्कशीट, उनको ले लीजिएगा, और आधार कार्ड वगैरह आप ले लीजिएगा, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ सकती है। सो फ्रेंड्स, जो भी आपको डिटेल मैंने अभी बताया, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको इंटरव्यू में जरूर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि इसमें आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता है। आप एलिजिबल हैं जिस पोजीशन के लिए, जिस डेट के लिए, आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू एक ऐसा बैरियर होता है जिसको कि आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन बहुत लोग आपको इंटरव्यू में छंट जाते हैं, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू को पास नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको 3 different courses लेकर आया हूं। आप इनमें से किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू के इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 links दे रखा है। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आप जिसे करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी करना चालू कीजिए, क्योंकि बिना इंटरव्यू की तैयारी के आपको एविएशन में जॉब मिलना मुश्किल है। ये जो कोर्स है दोस्तों, ये आपको एविएशन ही नहीं बल्कि कहीं भी अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने, आपको हेल्प जरूर करेगा। और आप जानते हैं कि मैं जो भी आपको गाइडेंस देता हूं, जो भी बताता हूं, वो आपके बेनिफिट के लिए होता है। सो फ्रेंड्स, जाकर आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और सबसे खास बात, अगर आप मुझे और थोड़ा सा करीब से जानना चाहते हैं, मेरी लाइफस्टाइल को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल फ्लाई एयर ब्लॉग्स पे जाकर जरूर विजिट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं बिल्कुल कैजुअल लाइफ जी रहा हूं, देखिए आपकी तरह। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, जाइए देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।